तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए, या पर्दे के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंद बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदुस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक ऐ नबी, तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो, सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा।